हाँ नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है वन ऑफ द बेस्ट फैंटेसी यूट्यूब चैनल पे, जहां आज हम लोग बात करेंगे बीबीएल बिग बैश लीग 2023 का जो मैच नंबर 17 होगा। एक तरफ होबार्ट की टीम, दूसरी तरफ मेलबर्न स्टार्स की टीम। लास्ट मैच में मेलबर्न स्टार्स के हाथ जीत लगी है, लेकिन होबार्ट हैरिकेन्स लास्ट के 2-3 मैचेस से बहुत अच्छा कर रही है। लास्ट मैच में फाइनली मैथ्यू वेड का भी बल्ला चला। देखिए ये मैच होने वाला है, इस मैच में आपको बहुत बड़े बड़े नाम दिखेंगे और जाहिर सी बात है आप देख भी सकते हैं बहुत बड़े बड़े नाम है। जब आप फैंटेसी की टीम बनाएंगे आपके दिमाग में एक ही चीज होगी, भाई छोड़े किसको, क्योंकि किसी को भी छोड़ने में आपको ऐसे कहीं ना कहीं आपका दिमाग ऐसे सनकेगा कि यार ये तो रन कर सकता है यार, इतना बड़ा नाम है। लेकिन उसी चीज से मैं आपको बचाऊंगा और आपको वो 11-12 प्लेयर बताऊंगा, मान लीजिए 13 प्लेयर बताऊंगा, जहां से आपकी पूरी की पूरी फैंटेसी टीम निकलेगी। तो किस चीज का इंतजार कर रहे हो भाई, 13-14 मिनट का वीडियो होगा, पूरा देख लेना और वीडियो को लाइक कर दो सारे लोग, क्योंकि प्रेडिक्शंस उसके लिए आपका लाइक बनता है। तो सारे लोग वीडियो को लाइक करो। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े, जो आपने स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप इससे नहीं जुड़े हैं आपको जुड़ जाना चाहिए। जुड़ना कैसे, जो आपकी वीडियो देख रहे हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन, जहां डिस्क्रिप्शन आप चेक करोगे वहां पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो उसके बाद सारी अपडेट्स मिलेगी, दिन में 2-3 मैचेस होते हैं, पूरी की पूरी टीम आपको यहां पे मिलती है। तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। सबसे पहले वेन्यू को लेकर बात करते हैं, बेलेरो ऑल होबार्ट में मैच खेला जाएगा। लास्ट मैच में यहाँ पे काफी रन देखने को बने थे। ये शायद दिसंबर का मैच है, कितने दिसंबर का मैच है आपको दिखाऊंगा। मेलबर्न रेनेगेड्स ने 183 रन कर दिए थे, अंदाजा लगा सकते हो। होबार्ट ने चेस कर लिया था, अंदाजा लगा सकते हो। बढ़िया विकेट है, थोड़ा सा स्टार्टिंग में अगर आप विकेट नहीं गवाते हैं आपके रन्स दिखेंगे बोर्ड पे। रन्स दोनों टीमें ऐसी है, 170 वाली पिच है, अगर वो अपने जो ऑन पेपर दिख रहा है, जो ऑन पेपर दोनों टीमों का बैटिंग ऑर्डर है, अगर उस लिहाज से खेलती है 170 बनने चाहिए। बाकी क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल जिसको हम बोलते हैं वो है, बाकी 160-170 वाली विकेट है, रन्स बनने चाहिए। स्टार्टिंग में थोड़ा सा अगर आपने विकेट को संभाल लिया, जहां पे आपको पता है 4 से 5 ओवर यहां पे स्विंग देखने को मिलता है। बाकी आप देखोगे टोटल 58 मैच खेले जा चुके हैं, 32 बैटिंग फर्स्ट, 26 चेजिंग ने। स्कोरिंग पैटर्न देखोगे हर टाइप की स्कोरिंग हुई है, लेकिन 40 मरतबा आप देखोगे 150 और 189 के बीच की स्कोरिंग हुई है, जो इस विकेट की बैटिंग को थोड़ा सा दिखाता है। आप देखोगे 167 का एवरेज स्कोर रहता है, जो कि आप अंदाजा लगा सकते हो। यहां पे ब्रिस्बेन हीट ने है वो 212 रन है, वो हाईएस्ट किया हुआ है, देख लेना ब्रिस्बेन हीट ने। रिसेंट के अगर आप मैच देखें, 23 दिसंबर का ये मैच है, मेलबर्न ने 183 किए थे 5 विकेट पर, होबार्ट 187, टारगेट चेस हो गया था, पेसर्स को 6, स्पिनर्स को 3। यहां सिडनी सिक्सर्स ने 180 किए, ये 2023 जनवरी का मैच है, यानी कि लास्ट सीजन का ये मैच है जैन का। होबार्ट चेस नहीं कर पाया, पेसर्स को 10, स्पिनर्स को 4। सिडनी थंडर 135, होबार्ट चेस कर गया, पेसर्स को 11, स्पिनर्स को 3। एक मैच को निकाल दो, दोनों मैच काफी बढ़िया दिखे। देखिए सारे मैच तो आपको पता है कि कितना है, बेंगलुरु की पिच आपको पता है कितनी शॉर्ट बाउंड्रीज है, कितना बढ़िया विकेट है, लेकिन हर मैच में वहां पे भी 180-90 तो नहीं बनते ना, 130-40 भी बनते हैं। तो वही चीज है, हर मैच में नहीं होता, लेकिन जिस तरीके की पिच है, जिस तरीके से रिएक्ट करती है, हमें जाना उसी की तरफ पड़ता है, समझ रहे हो इस चीज को। यहां देखोगे चेज हो गया, चेज नहीं हुआ, चेज हो गया। अगर 170-180 रन आपको बनाने पड़ेंगे, हालांकि मेलबर्न स्टार्स की टीम थोड़ा सा बैकफुट पे है, ओपनर्स उनको स्टार्ट नहीं दे रहे हैं। आप ये मान लो वेबस्टर है, स्टोइनिस का बल्ला नहीं चल रहा, मैक्सवेल है, कॉल्ट्राइड थोड़ा सा बढ़िया कर रहे हैं। यहां आप अगर देखोगे इस मैच में 9 विकेट चली गई, इस मैच में 15 विकेट चली गई, इस मैच में 15, यानी कि आप 13-14 विकेट मान के चलिए। थोड़ा सा उन ऑलराउंडर्स को फोकस करना जो आपको 2 से 3 ओवर दे सकते हैं। टोटल 37 में से 27 पेसर्स को 10 विकेट है, जो कि स्पिनर्स को मिले हैं। हेड टू हेड मैचेस की बात करते हैं, देखिए 19 में से मेलबर्न ने 12 और होबार्ट ने 7। होबार्ट हैरिकेन्स की टीम बहुत बढ़िया टीम है, मेलबर्न स्टार्स की टीम हमेशा से लूज
वो बोलते हैं ना लूज सेक्शन में रही है, लेकिन यार होबार्ट के सामने 12 मैच जीत लिए 19 में से, ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड मुझे लगा। बाकी आप देखोगे होबार्ट 1/2 विकेट्स, 2023 का मैच है 9 जेन का, ये आप देखोगे 16 दिसंबर का मैच है, यहां पे मेलबर्न स्टार्स ने ये मैच जीता। देखिए यहां से बात करते हैं तो कार्टराइट का बल्ला चला था, रोजर्स यहां पे फ्लोप रहे थे, वेबस्टर ने 27 थे, लार्किन के 9 थे, कुल्टरनाइल के यहां पे 2 विकेट, यहां पे कैलाब ज्वेल ने 70 किए, मैग्नरमोड फ्लोप था, टीम डेविड फ्लोप था, रायली मैरिडे 2, नाथन एलिस 2, यहां रोजर्स एवरेज है 20, कार्टराइट फ्लोप थे, वेबस्टर फ्लोप थे, मार्कस फ्लोप थे, कुल्टरनाइल को 2 विकेट। बाकी आप देखोगे वेड के 35, मैग्नरमोड फ्लोप, टीम डेविड फ्लोप, रैली मैरिडे 2 विकेट, पैडी डूली 1, यानी कि रैली मैरिडे का रन दिखा, कार्टराइट का दिखा, उसके अलावा यहाँ पे एक मैच में कैलाब ज्वेल के रन्स निकले, बाकी थोड़ा सा है वो जो मेन प्लेयर है मेलबर्न स्टार्स के वो उतना खास नहीं कर पाए। तो आपको नहीं लगता कि ये चीज आपको ग्रैंडलिंग में ट्राई करनी चाहिए ना, ये ध्यान में रखना है, इसलिए मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। पावर प्ले में क्या होता है ये समझ लेना, चार ओवर में देखोगे 42/0, 40/1, 39/0, 31/2, 19/2, 28/3, 24/1, 37/1, 20/1, 44/0, 34/1, 17/3, यानी कि जो टीम चेस कर रही है फर्स्ट इनिंग्स के कंपैरिजन में, अगर आप फर्स्ट इनिंग्स को कंपैरिजन करते हो सेकंड इनिंग्स के, तो आपको दिखेगा यहां पे अगर एक विकेट जा रही है यहां पे दो जा रही है, यहां पे अगर जीरो जा रही है यहां पे एक जा रही है, यहां पे अगर दो जा रही है यहां पे चार जा रही है, तो सेकेंड इनिंग्स यानी कि चेस करते हुए थोड़ी सी टीमें बैकफुट पे दिखे, और आपको ये जो आपको फॉर्मूला है ना, ये आपको कम से कम जीएल टीम्स में जब आप कॉम्बिनेशंस क्रिएट करते हैं तो आपको पता होना चाहिए, और ये चीजें कम से कम आपके पास दो टीमें इस प्रेस्पेक्टिव से होनी चाहिए कि हाँ ऐसा होगा, जो हो रहा है उसके अकॉर्डिंग तो जाना पड़ेगा ना। एक टीम आप ऐसी बना लीजिए कि जैसा नहीं हो रहा, एक टीम ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना पड़ेगा, जो हो रहा है आपको उसके अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा, समझ गए। बाकी आप देखोगे होबार्ट की प्लेइंग रेयन, देखिए कैलाब ज्वेल रिसेंट नंबर देखोगे, एक ये 42 आया, बाकी लास्ट के दो मैच उतने बढ़िया नहीं, 137 है, 90 है। मैथ्यू वेड लास्ट मैच बढ़िया था, बाकी उतने खास नंबर्स नहीं है। मैक राइट का आप देखोगे लास्ट के दो तीन मैच ठीक ठाक है। सैम हैन का देखोगे तो उतना खास बल्ला इस बीबीएल में नहीं चला। टिम डेविड का बल्ला नहीं चला लास्ट मैच में, तो हालांकि ये नॉट आउट थे। कॉरी एंडरसन के देखोगे तो कुछ खास नहीं है, एक मैच को निकाला। तो निखिल चौधरी का देखोगे एक ये 40 निकला था, बाकी कुछ खास कंसिस्टेंसी रही नहीं है निखिल चौधरी की। क्रिस जॉर्डन का देखोगे ये एक मैच अच्छा था, बाकी आपको खास नंबर्स नहीं दिखेंगे। पैडी डुल्ली के लास्ट मैच बढ़िया था, बाकी उतने खास नंबर्स नहीं है। नाथन एलिस एवरेज है। रैली मेरेडिथ का देखोगे तो भाई रैली मेरेडिथ एक विकेट यहां, एक यहां, जीरो, एक, एक, तो उतना खास नहीं रहा। हालांकि नाथन एलिस, क्रिस जॉर्डन और रैली मेरेडिथ ये इनके डेथ के गेंदबाज है, और ध्यान में रखना कोरी एंडरसन इनके फिफ्थ बॉलर है, तो कोरी एंडरसन एक इंपॉर्टेंट पिक है इस मैच में। बाकी यहां से कोई भी आता है तो आप देख लेना, ये आपके सामने है। फुल स्टैट्स की बात करते हैं, कैलाब ज्वेल का देखोगे 6 मैच में 25 का एवरेज हेड टू हेड, वेन्यू पे 14 मैच में 21 का एवरेज है, ओवरऑल 43 में 21 का एवरेज है। देखिए आपको कैलाब ज्वेल लास्ट के दो तीन मैच से नहीं चल रहे हैं, इनका सिलेक्शन कम दिखेगा। अगर आपके लिए कोई गेम चेंजर कैप्टन बनेगा, गेम चेंजर प्लेयर बनेगा फर्स्ट इनिंग्स में, अगर होबार्ट पहले बैटिंग करती है तो ज्यादा चांस रहेंगे कैलाब ज्वेल के रन करने के, और ये आपके लिए गेम चेंजर कैप्टन बन सकता है। मैथ्यू वेड 10 मैच में 29 का एवरेज हेड टू हेड, वेन्यू पे 25 में 25 और 99 में 29 का एवरेज है। विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको बढ़िया प्लेयर दिख रहा है, एक ही दिखेगा। मैक राइट 2 मैच में 10 का एवरेज हेड टू हेड, वेन्यू पे 5 में 28 और 11 में 26 है। सैम है 2 में 39 का एवरेज हेड टू हेड, वेन्यू पे 1 में 14 और 11 में 30। किशन भाई क्या करे, मैक राइट लास्ट मैच में बढ़िया करके आ रहे हैं, सैम हैन का देखोगे तो उतना खास जा नहीं रहा। मैं आपको बोलूंगा यहां से आप देख लेना रन्स निकलेंगे, और सैम हैन भी उनमें से मुझे एक लग रहा है कि शायद आपको इस मैच में परफॉर्मेंस करके दे, तो आप मैक राइट की जगह सैम हैन ले सकते हो। क्रिम डेविड 8 में 12 का एवरेज हेड टू हेड, वेन्यू पे 17 में 36 और 57 में 27 का एवरेज है, लेके जाइए। कोरी एंडरसन हेड टू हेड नहीं, वेन्यू पे 1 में 4 और 3 में 14 का एवरेज, 2 विकेट है कोरी एंडरसन। अगर ज्यादा से ज्यादा बोलूंगा, अगर पहले बैटिंग करे तो फिर ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे कोरी एंडरसन, क्योंकि ये होबार्ट के लिए फिफ्थ गेंदबाज है, सिक्स्थ गेंदबाज नहीं है।
अगर कोई गेंदबाज ऐड होता है लाइक निखिल चौधरी की जगह वगैरह, तो फिर आप इसको ड्रॉप कर सकते हो। हेड टू हेड नहीं, वेन्यू पे खेले, बैटिंग नहीं आई, ओवरऑल 2 में 40 रन है, खास मैं नहीं बोलूंगा। क्रिस जॉर्डन 5 में 1 विकेट हेड टू हेड, वेन्यू पे 3 में 1, ओवरऑल 36 में 37, मैं कुछ खास नहीं बोलूंगा। पैडी डूली हेड टू हेड नहीं, वेन्यू पे 5 में 11, ओवरऑल 14 में 19, मुझे काफी इंटरेस्टिंग प्लेयर लगता है तो मैं लूंगा। नाथन एलिस 7 मैच में 9 हेड टू हेड, 21 में 33 विकेट, वेन्यू पे ओवरऑल 53 में 62 है। रायली मैरेडर 10 में 17 विकेट निकाली है जब ये खेलते हैं मेलबर्न स्टार्स के अगेंस्ट, हर मैच में आप ऐसा मान सकते हो कि 2 के करीब जा रहा है। वेन्यू पे 22 में 31, 60 में 81 का एवरेज है। यहां से अगर आपके लिए कोई प्लेयर गेम चेंजर कैप्टन बनेगा तो एक तो रैली मेरेडिथ है, एक कैलेब ज्वेल की मैं बात कर रहा हूं, यहां से आपके लिए गेम चेंजर कैप्टन बन सकता है, समझ रहे हो ना। बेंच पे इनमें से कोई भी खेले, मिच चोवेन, मैकडरमॉट, स्टैनलेक या फिर पैटर हेडजोग्लू, ध्यान में रखना। मेलबर्न स्टार्स की प्लेइंग 11 थॉमस रोजर्स स्टार्ट मिले हैं देखे, लेकिन बड़े स्कोर में नहीं रह जा पाए। सैम हार्कर टोटली फ्लोप चल रहे हैं, अगर आप देखोगे वेबस्टर का देखोगे तो ठीक ठाक है, ग्लेन मैक्सवेल का देखोगे तो उतना बल्ला नहीं चला, मार्कस स्टोइनिस का बल्ला नहीं चला, कार्ट्राइट ठीक कर रहे हैं, 47 है, 22 है, 24 है, 33 है, इमाद वसीम 14+0, 43+0, 15+1, 40+2 ठीक ठाक है। उस्मान मीर खास नहीं है, लास्ट मैच में 3 विकेट निकाले। जोएल पेरिस के भी एवरेज परफॉर्मेंस है। मार्क स्टिक्टी का देखोगे जो कि लास्ट मैच नहीं खेले थे, डेथ में भी गेंदबाजी करते हैं, मार्क स्टिक्टी 0, 11+2, 1-1। हैरिस रोफ लास्ट मैच में 3 विकेट निकाले, बाकी कुछ खास जा नहीं रहा था, डेथ में ये दोनों गेंदबाजी करने के लिए आएंगे, समझ गए ना। पावर प्ले में भी ये आते हैं। बेंच से अगर कोई जैसे कि मैं मान लो जोनाथन मार्लो आते हैं, उसके अलावा निक लार्किन, समझ रहे हो ना। फुल स्टैट्स की बात करते हैं, फुल स्टैट्स में देखिएगा थॉमस रोजर्स 2 मैच में 11 का एवरेज हेड टू हेड, वेन्यू पे 1 में 2, ओवरऑल 18 में 23 का एवरेज है। सैम हार्पर 11 में 29 का एवरेज हेड टू हेड, वेन्यू पे 7 में 19, ओवरऑल 81 में 20। देखिए अगर हम स्मॉल लीग की बात करते हैं तो यार ये प्लेयर मुझे उतने खास लगे नहीं है ना। मेलबर्न को इन्होंने अच्छी स्टार्ट दी है, दैट्स वाइज थोड़ी सी प्रॉब्लम में मेलबर्न स्टार्स की टीम रही है। एक चीज मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि स्मॉल लीग में थोड़ा सा ये दोनों रिस्की बनते हैं, लेकिन ग्रैंड लीग में आप सैम हार्पर को जरूर ट्राई करना, सैम हार्पर आप ट्राई कर सकते हो ग्रैंड लीग में। वेबस्टर 9 मैच 25 का एवरेज, 1 विकेट हेड टू हेड, वेन्यू पे 9 में 8 का एवरेज है, ओवरऑल 69 में 26। अगर आप चाहो, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं आपके लिए बोलूंगा, देखिए ब्या वेबस्टर एज ए गेंदबाज खेलते हैं, एज ए बैट्समैन एज ए गेंदबाज खेलते हैं, आपको दोनों अगर दोनों चीजों में इनका इंक्लूडेशन रहती है तो उस वक्त आपके लिए थोड़ा सा रिस्की बन जाते हैं फॉर ड्रॉपिंग। अगर ये केवल एक ही कैटेगरी के प्लेयर है, लाइक मान लीजिए कि ये और नहीं करते, मान लीजिए ये गेंदबाजी नहीं करते, केवल बैट्समैन एज ए बैट्समैन खेल रहे, उस वक्त मैं बोलूंगा आप इनको इस मैच के लिए ड्रॉप कर सकते हैं। और जो चीज मैंने आपको बोली कि आप सैम हार्पर को ग्रैंड लीग में ले सकते हैं, वो आप इनको एसएल में भी ट्राई कर सकते हैं। मैक्सवेल 13 मैच में 37 का एवरेज, 5 विकेट हेड टू हेड, वेन्यू पे 6 में 59 का एवरेज, ओवरऑल 102 में 33। कैप्टन बना सकते हो, सामने वाली टीम में लेफ्ट हैंडीज है, मैथ्यू वेड है, कैलेब ज्वेल है, तो ग्लेन मैक्सवेल 2-3 ओवर आपको दे सकते हैं। अगर 2-3 ओवर करते हैं तो फिर वेबस्टर के ओवर जा सकते हैं। मार्कस स्टोइनिस 13 में 30 का एवरेज हेड टू हेड, वेन्यू पे 5 में 54, ओवरऑल 6 में 33। मार्कस स्टोइनिस इस मैच में मैं लेके जाऊंगा, बढ़िया डिफरेंशियल पिक बनेंगे। कार्टराइट 12 में 26 हेड टू हेड, वेन्यू पे 5 में 31, ओवरऑल 85 में 28 का एवरेज है, ले सकते हो, बाकी मैं उतना सजेस्ट स्मॉल लीग में नहीं करूंगा। इमाद वसीम 1 में 1 विकेट हेड टू हेड, वेन्यू पे नहीं खेले, ओवरऑल 10 में 10 विकेट है, मैं लेके जाऊंगा। उस्मान मीर हेड टू हेड नहीं, वेन्यू नहीं, ओवरऑल 4 में 4, मैं ज्यादा सजेस्ट नहीं करूंगा। जोएल पेरिस 2 में 1 हेड टू हेड, वेन्यू पे 4 में 4, ओवरऑल 31 में 25, मैं ज्यादा सजेस्ट नहीं करूंगा। स्टिक्टी 11 में 16 हेड टू हेड, वेन्यू पे 4 में 4, ओवरऑल 70 में 88। हैरिस रोफ 1 में 5 हेड टू हेड, वेन्यू पे नहीं खेले, ओवरऑल 11 में 13। इन दोनों को मैं लेके जाऊंगा। अगर पहले बैटिंग करती है मेलबर्न स्टार्स की टीम तो आप हैरिस रोफ को ड्रॉप कर सकते हो, और हैरिस रोफ की जगह फिर आप क्या कर सकते हो, उस्मान मीर को ले सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, कार्टराइट को ले सकते हो, समझ गए इस चीज को, या फिर आप कॉरी एंडरसन को ले सकते हो, ये चीज आप चेंज कर सकते हो, समझ गए। बेंच से यहां पे कोई भी आता है आपको ले लेना है, उतने खास मुझे लग नहीं रहे यहां से कोई भी आएगा, बाकी देख लेना अगर जगह बनती है। प्लेयर्स बैटल में
मैथ्यू वेड, ग्लेन मैक्सवेल ने एक बार, एक बार इमाद वसीम ने, कैलाज वेल ने, मार्क स्टिक्टी ने एक बार, बड़ी कॉस ने एक बार, हारिस रोफ ने एक बार है वो मैक्लिस्टर राइट को आउट किया, सैम हैन को इमाद ने एक बार, टीम डेविड को इमाद ने दो बार। ये थोड़ा सा स्ट्रगल है टीम डेविड का अगेंस्ट इमाद वसीम। ब्रॉडी कॉस का देखोगे एक बार, कॉरी एंडरसन का देखोगे इमाद वसीम ने एक बार आउट किया, ग्लेन मैक्सवेल ने एक बार आउट किया। बाकी अगर हम लोग बात करते हैं टॉम रॉजर्स के, पैटर हेडजोग्लू जो शायद आपको खेलते हुए ना दिखे एक बार आउट किया, सैम हार्पर का देखोगे, रैली मैरेडिथ का देखोगे एक बार, पिटाई देखी अच्छा के लिए, नाथन एलिस ने एक बार, इनको भी ठीक ठाक के लिए, क्रिस जोर्डन को एक बार, इसको भी बढ़िया के लिए, बैली स्टेनली को एक बार, यानी कि सैम हार्पर वर्सेस होबार्ट हैरिकेन्स गेंदबाजी सैम हार्पर बैठे नजर आए हैं। और इसीलिए मैं आपको जो चीजें मैंने वीडियो के बीच में आपको बोली थी, वेबस्टर प्लस सैम हार्पर, वो देख लेना भाई, मजा आएगा। बाकी ग्लेन मैक्सवेल, रैली मैरेडिथ ने दो बार, ठीक है, स्ट्राइक रेट बढ़िया है, क्रिस जोर्डन ने चार बार विकेट दिया लेकिन पिटाई देखी है, हेडजोग्लू ने दो बार, मार्कस स्टोइनिस, रैली ने एक बार, हेडजोग्लू ने एक बार, वेबस्टर का देखोगे रैली मैरेडिथ ने चार बार आउट किया, ये थोड़ा सा स्ट्रगल है। नाथन एलिस ने एक बार, पिटाई अच्छी है, पैटर्न ने एक बार, यहां पे आप देखोगे हिल्टन कार्टराइट का रैली मैरेडिथ ने एक बार आउट किया है, एवरेज है, नाथन एलिस ने एक बार, ये ठीक ठाक है, पैटर हेडजोग्लू ने एक बार, और एक बार लियाम गथरी ने आउट किया है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, काम आएगा जब आप फाइनल स्टेज पे होंगे। फाइनल स्टेज मींस नोट कि आप अपनी लाइफ में फाइनल स्टेज पे होंगे जब आप टीम बना रहे होंगे, आपके पास 15-20 मिनट का टाइम होगा। चलिए, मैथ्यू वेड को मैंने रखा, सैम हैन को रखा, कैलाज जुआल एज ए वाइस कैप्टन रखा जिसको मैं चेंज कर सकता हूं किसी के साथ भी, ग्लेन मैक्सवेल एज ए कैप्टन, मार्कस स्टोइनिस, इमाद वसीम, क्रिस जोर्डन, वेबस्टर। अब वेबस्टर के लिए मैंने आपको कुछ बोला है, क्रिस जोर्डन इसको आप सीधा सीधा चाहो तो ड्रॉप कर सकते हो, इसकी जगह आपकी टीम में कौन आएगा, इसकी जगह आप किसको भी ले सकते हो, कॉरी एंडरसन ले सकते हो। अगर पहले बैटिंग करती है होबार्ट की टीम, देन आप क्या कर सकते हो, आप टीम डेविड को ले सकते हो। उसके अलावा हारिस रोफ, नाथन एलिस, मेरेडिथ, आप इसकी जगह अगर पहले बॉलिंग नहीं कर रही है मेलबर्न स्टार्स की टीम, तो आपके पास कौन होने चाहिए, आपके पास स्टिक्टी होनी चाहिए, मार्क स्टिक्टी आपके पास होनी चाहिए। उसके अलावा मैंने आपको गेम चेंजर कैप्टन वगैरह बताए हैं, आप वीडियो में जाके देखिए, आपको मजा आएगा, आपको लगेगा कि हाँ ये टीम हमें जिता सकती है, ऐसे प्रेडिक्शंस की जरूरत है। तो लाइक कीजिए वीडियो को और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।